स्वागत माँ के आपके स्वाद में। आज हम कोफ्ते बनाएंगे। घिया तो आपने बहुत खाए। आज हम पालक के पनीर के, तो ये हमने 250 ग्राम पनीर कद्दूकस कर रखा है और ये उबाल रखा है, हल्का हल्का मतलब पाल वोल कर रखा है। एक पाव पालक है वहाँ, एक मिला लेंगे। काट लिया हमने छोटा छोटा, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ये बेसन है, जरूरत के अनुसार बेसन मिलाने हैं। 3 से 4 चम्मच छान के ले रखा है बेसन, कम ज़्यादा लगा तो दोबारा डाल देना। ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक और ग्रेवी डालनी है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी पीसी हुई प्याज है, ये हम इनको मिला देते हैं। इसमें लौटते हैं बड़े बर्तन में, अच्छे से मिल जाएगा। पालक के कोफ्ते बहुत हेल्दी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। बच्चे वैसे पालक खाना पसंद नहीं करते, मैंने सोचा चलो कुछ नई रेसिपी बनाओ हट के। और इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये पनीर वाले वैसे ही सॉफ्ट बनते हैं। और सॉफ्ट करने के लिए हम एक चम्मच डाल रहे हैं इसमें देसी घी, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और सॉफ्ट भी बनेंगे हमारे। मैंने बेसन लिया है इसके अंदर, आप कौन सा भी ले सकते हो और अरारूट ले सकते हो, मैदा ले सकते हो। मेरे को बेसन हेल्दी है, बेसन लिया है मैंने। एक चम्मच देसी घी डालते हैं, इससे सॉफ्ट बनेंगे। तेल चलाते हैं गैस पे, अच्छे से मिला घी भी। पनीर पालक के कोफ्ते छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो। शेप भी कोई भी दे सकते हैं, लहसुन का शेप दे सकते हो। मैं गोल शेप में बना रही हूँ। देखते हैं छोड़ो, तेल गर्म हो गया हमारा, तेल हो गया हमारा सही गर्म हो गया। बाकी बना देते हैं ऊपर से कढ़ाई में। कितने कलर कलर आया है, कितने
कोफ्ते हमारे कितने बढ़िया सीखे हैं देखो, कितना प्यारा कलर आया आपको नजदीक से दिखाऊँ मैं। मेरी वीडियो अच्छी लगा तो आप लाइक शेयर करें, बाकी भी छोड़ देते हैं अपने। बच्चे खुश खा लेंगे, पालक भी जाएगा बच्चों के पेट में, पालक से हमें आयरन मिलता है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं हमें पता भी नहीं होता कैल्शियम मिलता है पनीर से, तो शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर में पहुँचना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए बच्चों को। दाल पालक बनाते बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे माँ माँ का खाएंगे और नहीं सकते पालक ना खाएंगे। इसमें कढ़ाई में छोड़ लेते हैं तेल अपना, एक डेढ़ चम्मच कोफ्ते हमारे सीख गए, छोटे मसाले अपने पहले छोड़ेंगे। गर्म हो गया कढ़ाई में, जीरा एक चम्मच, एक पिंच हींग, ये हींग है, ये हमारे प्याज, दो प्याज हमने ले रखी मीडियम साइज की, प्याज छोड़ देते हैं। जीरा
मसाले अच्छे से भूनना। अदरक और प्याज ले रखे मैंने, लेकिन जब अदरक पकड़ा वो प्याज के साथ पीस लिया है। तीन टमाटर ले रखे मैंने पीस के, इसके अंदर दो हरी मिर्च है और चार टमाटर है। थोड़ी हम छोड़ कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कोफ्ते के अंदर, ग्रेवी में हमारी। एक छोटी चम्मच छोड़ा हम बेसन ये, इससे अच्छी खुशबू आएगी सोने चाहिए। और ग्रेवी में चटनी मिलाई हमारी, ग्रेवी गाढ़ी रहेगी थोड़ी, अच्छे से भूनने बेसन को भी। और सभी मसाले हमारे भून गए, टमाटर छोड़ देते हैं। टमाटर अंदर थोड़ी नमक छोड़ते हैं ताकि हमारे टमाटर जल्दी पक जाए। ये मैंने एक चम्मच लाल मिर्च ले ली, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर। और एक पिंच आधी चम्मच गरम मसाला। कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है, मैं जो मैन मैन मसाले वो लिए। टमाटर हमारे पक गए, अभी सारे मसाले छोड़ देते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा पानी छोड़ देते हैं और ग्रेवी को पकाते हैं। ढक्कन रख देते हैं 5 मिनट को। ग्रेवी हमारी पक गई है, 2 मिनट और पकना है, अच्छे से तेल ऊपर आ जाए पक के। ग्रेवी से तेल अलग हो गया हमारा, अच्छा रख देते हैं। पकाते हैं,
डाल दिए हम एक हम अपना सीक्रेट मसाला, ये मैगी मसाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मैगी मसाले से, इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। मेरी बीमारी बहुत अच्छी पक गई है, ये डाल देते हैं मैगी मसाला, जो दस मसाला को फ्लेवर आएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। अब कोफ्ते डाल देते हैं अपने सारे, ग्रेवी गाड़ी पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा पानी और डालते हैं, दो मिनट और पकाते हैं, सब्जी हमारी तैयार बन के। सब्जी बन गई है, गैस बंद कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं और प्लेटिंग कर देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे लिए। बनाना आप बहुत अच्छे बने, खा के बताना मेरे को कैसे बने हैं, आप अपने घर में बनाना, बहुत स्वाद कोफ्ते बने हैं, बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए। ऊपर से हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, वाह, थैंक यू।